इस तरह से बोलता हूँ। कभी कोई आपसे कहता है कि आप अच्छे लग रहे हो, कोई आपसे कहता है आप अच्छे लग रहे हो तो आप खुश हो जाते हो, स्वाभाविक क्या। अब कोई आपसे कहता है कि आप अच्छे नहीं लग रहे हो तो क्या होता है, आप दुखी हो जाते हो, डिप्रेशन में, तनाव आप तनाव में आ जाते हो। तो अपन ऐसे में क्या करते हैं, जो हमारे सुख दुख का रिमोट है, अपने सुख दुख का रिमोट है, वो हम दूसरे को दे देते हैं। हम क्या करते हैं, अपने सुख दुख का रिमोट दूसरे को दे देते हैं। अब दूसरा हमें अपने हिसाब से चला, वो हमारी बुराई करने लगता है तो हम दुखी होते रहते, जीवन इसी में दबा देते हैं। जबकि हमें अपने आप में खुश रहना चाहिए, क्योंकि हमारा नेचर जो ऊपर वाले ने बनाया है वो खुश रहने के लिए, खुश रहने का नेचर बना। तो ये किसको चिंतन करना पड़ेगा कि हमें खुद बोलना पड़ेगा। अब एक बात और, गीता में जैसे गीता की बात चल रही है, गीता में बोला है कि क्यों दुखी क्यों होते हैं, किसी भी इच्छा की पूर्ति, किसी भी इच्छा की पूर्ति करने से क्या सुखी हो जाएंगे। क्योंकि जैन समाज ने भी ये बोला है कि इच्छा की पूर्ति पे भागते रहोगे तो कभी सुखी नहीं होगा। गीता में भी यही बोला है विष्णु भगवान। कृष्ण भगवान कहते हैं कि एक नाव चल रही है, कृष्ण भगवान कहते हैं जब में नाव चल रही है उस नाव को कोई वायु, कोई वायु का झोंका अपने दिशा से, अपने देश से भाग ही ले जाता है, नाव भटक जाती है। नाव अपने जो चल रही है जिस गति के लिए, जिस लक्ष्य के लिए, उससे भटक जाती है। ठीक यही स्थिति हमारी होती है, यही स्थिति हमारी होती है। हम किसी भी इंद्रिय से जो काम वासना, काम लोभ लालच जो विकार है हमारे, हमारा शांत मन है, काम लालच लोभ हिंसा क्रोध, इसके विकार में आके जो हमारी आनंद वाली स्थिति है, जो हमारी शांति वाली स्थिति है, वो भटक जाती है और हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। यही होता है, हनी ट्रैप चल रहा है आजकल, सब देख रहे हैं, कितने बड़े बड़े आईएएस नेता अधिकारी सब मिल गया उनको, उसके बाद वो मुंह दिखाने के लायक थी, ये स्थिति हो जाती है। तो कहाँ ये काम कर सकते, आप भ्रष्टाचार में भटक जाते हैं नेता लोग, तो जेल जाना पड़ रहा है। तो कहने की स्थिति ये है कि जो जैसे निश्चल जैसे वायु नाव को बाहर ले जाती है, ऐसे हमारे जो अच्छे कर्म, जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारी शांति है, उसको ही ये मनोविकार, ये काम वासनाएं बहा के ले जाए। तो हमें सावधान रहना ही पड़ेगा। जब हम सावधान रहेंगे अपनी इंद्रियों से, अपनी काम वासनाओं से, तो हमें कभी कोई समस्या नहीं है, हम हमेशा सुख रहेंगे, हैप्पी रहेंगे। एक बात मैं आपको और बताऊँ, जैसे आगा संस्था जैसे आप लोग कर ही रहे हैं, और भी वृद्ध लोग हैं, सबको पेंशन मिल रही है, लेकिन सब ऐसे नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे और आप लोग क्यों कर रहे हो, उसका वजह भी, उसकी वजह ही बता दें। होता क्या है, जैसे आप सभी आज के युग में मेल का यूज कर रही है, पासवर्ड, हर एक चीज में पासवर्ड चाहिए, आपको मोबाइल खोलना है तो भी पासवर्ड चाहिए। अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं अपना, अगर एक मेल है आपका, आप उस मेल को यूज नहीं करते लगातार, एक मेल को अगर आप लगातार यूज नहीं करते तो क्या होगा, पासवर्ड भूल जाओगे ना। तो हमारा भी जो खुशी का पासवर्ड है, जो हैप्पी का पासवर्ड है, शांति का जो पासवर्ड है, वो दान है, एक दूसरे का सहयोग करना है। लेकिन चूंकि हम दान नहीं करते, अब पता नहीं क्यों नहीं करते, एक समय ऐसा है कि हम दान नहीं करते, हम दूसरे का सहयोग नहीं करते, हम नहीं करना चाहते, तो उससे जो हमें खुशी मिलती है, जो हमें सुखी और आनंद मिलता है, वो हम भूल गए। अब क्योंकि आगा संस्था से ये लोग करते हैं, इन्होंने दान किया, इन्होंने एक दूसरे का सहयोग किया, तो उन्हें उस खुशी का एहसास है, उन्हें उस खुशी का एहसास है, इसलिए ये लोग काम करेंगे, आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि उनको कैसे मिलती है आनंद और संतोष कैसे मिलता है, ये जो ऊर्जा है इनमें, ये इसी वजह से हमारी। तो ये जो बात है जो मैं कह रहा हूँ, ये एक्चुअल में क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं खुद विचार मंथन करता हूँ रोज, खूब भागवत भी होती है, गीता, रामचरितमानस खूब होता है, लेकिन टू द पॉइंट लोग फिर भी समझ नहीं पा रहे कहीं ना कहीं कि है प्रॉब्लम का, तो उनको सरल भाषा में समझाने की मेरी कोशिश है, ज्ञान तो होंगे कि मैं सच करके बोलूँ या उसको याद करके बोलूँ, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश है कि मैं अपनी तरह से सरल भाषा में समझा सकूँ। जैसे रामचरितमानस ने कहा है, धर्म अधर्म की बात करते हैं हम, क्या धर्म है क्या अधर्म है, तो रामचरितमानस ने सीधी सी बात कही है, परे परे धर्म नहीं मानी, परे पीड़ा समझ नहीं अथवा, अगर आप दूसरे का हित करते हैं तो इसके बाद कोई धर्म नहीं, अगर आप दूसरे का अहित करते हैं तो इससे बढ़िया बड़ा कोई नहीं है। अगर हमें क्यों जरूरत है रामचरितमानस की, क्यों जरूरत है हमें गीता की, क्योंकि हम संस्कार विहीन हो रहे, हम संस्कार भी नहीं होते, हमारे संस्कार कैसे बनेंगे, हमारे संस्कार मानस से बनेंगे, हमारे संस्कार विश्वास से बनेंगे, और यही संस्कार है जो हमें
बिल्कुल ग्रुप बना पड़ा हमारे साथ। प्रॉब्लम क्या हुई है मैं आपको और बता दूँ कि हम सुख और पैसे की तलाश में भटक गए और संस्कृति की तरफ चले गए। और पश्चिम में क्या हो रहा है, पश्चिम में सब अलग अलग रह रहे हैं, बेटा माँ से अलग है, उन्हें नहीं पता मेरे माता पिता कहाँ रहते हैं, बेटा जहाँ बालिग होता है अलग हो जाता। पति पत्नी कोई वहाँ ये नहीं है कि जीवन भर पति पत्नी साथ है, दो साल ये पत्नी दो साल बाद दूसरी पत्नी दूसरी पत्नी, ये विदेशों में होता है। तो अब हम चूंकि सुख और पैसा ढूंढने पाश्चात्य संस्कृति की ओर चले गए तो हम भी वही करने लगे। तो उससे क्या हुआ, पैसा तो मिला नहीं हमें, दुख और मिल गया। अगर पैसा मिला भी है तो उसके बनस्पत सुख हमें ज्यादा मिला, सुख संतोष हमें नहीं मिला। हम सुख संतोष के लिए पैसा बटोरते रहे बटोरते रहे बटोरते रहे, लेकिन मिला अंत में अशांति दुख यही मिल पाया, यही मिला। मैं एसपी ऑफिस पर जाता हूँ काउंसलिंग के लिए, हमारी पेज आया मेरे पास एक मिला जिला बोले मैंने कहा क्यों दुखी अपने बेटे के खिलाफ केस लेके आए थे, उनका ये कहना था कि मैंने लगभग 1 करोड़ रुपए का मेरे जीवन भर की जो मैंने कमाई की उससे मैंने मकान खरीदा 1 करोड़ रुपए लगभग 90 लाख से 1 करोड़ तक उसकी कीमत। अब प्रॉब्लम मुझे ये है कि वो मकान में बेटे और बहू रह रहे हैं और मुझसे कहते हैं कि ये मेरा मकान, अब मैं कहता हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि इस तरह हम जोड़ते रहते हैं पैसा की अपने सुख शांति के लिए पर वो नहीं मिल पाते। हम सोचते हैं संग्रह में बुद्धि है, संग्रह में नहीं देने में भी बुद्धि है। आप अभी दान करते तो देखो, आप देखो बिल गेट्स कितने बड़े अरबपति है, दुनिया के सबसे बड़े रईस है, पर उन्हें शांति कब मिली, जब वो दान कर रहे हैं, जब वो दान कर रहे हैं तब उन्हें शांति मिल रही। अगर इतिहास में उनका नाम लिया जाएगा तो दान देने के नाम से नहीं आएगा। आप बता दो इसके पहले कितने रईस रहे, कितने उद्योगपति रहे। अगर आप 40 या 50 साल पहले के उद्योगपति या पैसे वालों को याद करोगे तो किसी एक का नाम बता दो, मुझे नहीं लगता नहीं बता, किसी एक उद्योगपति का नाम बता दो आपके 50 साल पहले धनी रहा हूँ आपके शहर में। लेकिन विवेकानंद का नाम आप जानते हो, स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम आप जानोगे, राजा राम मोहन राय का नाम आप जानोगे, क्यों जानोगे, क्योंकि हमने समाज सुधार के लिए काम किया। तो जब हम समाज सुधार के लिए काम करेंगे, जब दूसरे के हित के लिए काम करेंगे, निस्वार तो आपसे काम करेंगे, तो दुनिया आपको पहचान, दुनिया में आपकी पहचान होगी। यही मेरी आपसे उम्मीद है और यही मेरी आपसे आशा है कि आप भी इसी दिशा की तरफ चलेंगे, परे खड़े धरती में दूसरे का जिसकी तरफ देखेंगे दूसरे का आय ये पाप है इसकी तरफ, इसको तो सबने भी नहीं करना है, सबने भी दूसरे के खिलाफ गलत नहीं सोचना। बाकी एक बात मैं और बताऊँ, जैसे कि कभी कभी विपत्ति आती है ना तो हम लोग परेशान हो जाते हैं, सबके पास विपत्ति आती है सबके साथ सबको काटता है। तो जैसे ये हमारी मसूरतरी रेता वाली की और भी उन्होंने एक प्रोफाइल खाई थी, उसी में ये कि जब उधर ठाणे वाली मसूरतरी रेता राम गोयल लखन सभ्यता तो केवट चरण गया बुलाई कछू नहीं दी नहीं राम सब जाए राम उस समय सच्चा रहे कि मैंने केवट को कुछ नहीं दिया, उस समय देने के लिए उनके पास कुछ नहीं था, वो सच्चा रहे कि मैंने केवट को कुछ नहीं दिया। तो पी है उसके बाद की चौपाई है पी है सीए जाना हारे मन मुद्रा मन मुझे तो उतार दिया आनंद उन्होंने अपनी अंगूठी उतार दी। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि संकट विपत्ति भगवान राम लक्ष्मी पति तीनों लोगों के स्वामी तीनों लोगों का पालन करने वाले उनके पास देने के लिए कुछ नहीं था, उस समय वो भी आए, ये समय भी आता है। पर अगर आपको रास्ता भरोसा तो ये समय भी चला जाएगा, जब उनका ये समय आएगा तो अपने में भी आ सकता है ना ये समय, तो उस समय लेकिन अपने को दुखी नहीं होना। और उस समय रामदेव स्वामी से उन्होंने पत्नी का क्या धर्म है जो उसके पास था लक्ष्मी पति ने अपने दिया हुआ, तो ये पत्नी का धर्म। तो ये सब बातें हमें सोचनी थी, जो मेरे एक हैप्पीनेस मिशन है मैं उसमें यही बात बताता हूँ कि जैसे हम झूला झूल रहे हैं, मैं आपको बता दूँ सुख के ऊपर आनंद की तरफ चलो, सुख दुख ये भी है, सुख दुख से आगे आनंद की तरफ चलो, आनंद की तरफ कैसे जा सकते हैं मैं आपको ही बता दूँ। झूला चलता है हमें मालूम है झूले से हम गिर गए तो नुकसान होगा हमारा, हम सब जानते हैं ये बात, फिर हम डरते क्यों नहीं है, हम डरते क्यों नहीं है, आप बताओ कोई क्यों नहीं डरते झूले से, क्योंकि हमें झूले वाले पे भरोसा है कि हम सेफ है, यही होता है ना सेफ है हमें झूले वाले पे भरोसा है। लेकिन समस्या ये है कि ये जीवन का झूला झुला रहा है, हम जीवन के झूले पे झूले तीनों लोगों का स्वामी झुला रहा है हमें, तब वहां हमें सुख दुख अप एंड डाउन आता है, तो वहां हम परेशान हो जाते हैं,
क्यों बन जाते हैं? हमें झूले वाले पर भरोसा है, तो तीनों लोगों के सामने झूला झुला रहे हैं, हमें उसका भरोसा नहीं है। हम जिसका तो भरोसा तो है, हम उसका भरोसा रखेंगे, वो हमें फिट निकाल लेगा। तो यही मेरा आप लोगों से कहना है कि आप हमेशा खुश रहो, हंसते रहो, विपत्तियां आपत्तियां और संपत्ति आती जाती रहेंगी, ये सब दुनिया का क्रम है, चलता रहेगा, पर हमारा नेचर होना चाहिए खुश रहना, हंसते रहना और सकारात्मक। धन्यवाद।